क्रिकेट के गब्बर कहे जाने वाले क्रिकेटर शिखर धवन ने आज जब ऐलान किया अपने संन्यास का, तो यार आत्मा दुखी हो गई, दिल थोड़ा सा भर आया, क्योंकि क्रिकेट का ये गब्बर जो है हरदम मैदान पर माहौल बनाकर रखता था, लेकिन अब क्रिकेट का गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन जो है वो अब आपको मैदान पर क्रिकेट मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब अपने मूंछों पर ताव देते हुए शिखर धवन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों में नहीं दिखेंगे, अपने जांघों पर हाथ मारकर अन्य विपक्षी खिलाड़ियों को ललकारने वाले शिखर धवन अब आपको क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि आज सुबह क्रिकेट गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन ने एक भावुक वीडियो जारी करते हुए क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वीडियो जारी करते हुए शिखर धवन ने तमाम मार्मिक बातें कही, और उन मार्मिक बातों को जब मैं सुन रहा था तो मेरी आंखें भर आई, और जाहिर सी बात है अगर कोई क्रिकेट प्रेमी उन शब्दों को सुनेगा, शिखर धवन की उन बातों को सुनेगा, तो उसका भी दिल जो है वो भर आएगा। संन्यास लेते हुए जब क्रिकेटर शिखर धवन ने एक वीडियो जारी किया तो उसमें जो शब्द थे वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे मुड़कर देखता हूं तो ढेरों यादें नजर आती हैं, और आगे देखता हूं तो पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और ऐसा हुआ भी। फिर इसके बाद शिखर धवन कहते हैं कि मैं खुद से यही कहता हूं कि तुम इस बात से दुखी मत हो कि तुम अब देश के लिए नहीं खेल रहे हो, बस इस बात से सुकून महसूस करो, खुशी महसूस करो कि तुम देश के लिए खेल चुके हो। और शिखर धवन का ये जो वीडियो था वो क्रिकेट प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया। साल 2010 में वनडे में जो है डेब्यू करने वाले शिखर धवन ने आखिरी वनडे मुकाबला जो है वो 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेला था। साल 2023 में उन्होंने कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला, और अगर हम T20 कैरियर की उनकी बात करें तो T20 जो आखिरी मैच था उन्होंने साल 2021 में 29 जुलाई को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेला। अगर टेस्ट की बात करें तो 2018 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, और टेस्ट मैच 2018 में जब उन्होंने खत्म किया था, खेलना बंद किया, तो लगा कि यार अब क्रिकेट की पिच पर गब्बर का टेस्ट मैचों में कमबैक जो है वो नहीं हो सकता है, गब्बर इज बैक नहीं हो सकता है, और गब्बर 2018 के बाद जो है कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेले। और साल 2024 जब आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो वो पूर्णतया तमाम फॉर्मेट से क्रिकेट के, चाहे वो IPL हो या अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में T20 वनडे टेस्ट हो, उन तमाम फॉर्मेट से वो ऐलान कर चुके हैं, संन्यास का घोषणा कर चुके हैं। संन्यास का 13 साल का कैरियर रहा शिखर धवन का, और इस 13 साल के कैरियर में शिखर धवन ने शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंचाकर अपने आप को साबित किया कि वो एक सच्चे भारतीय खिलाड़ी हैं, और क्रिकेट के लिए उनका सर्वोत्तम न्यौछावर है। अगर हम बात करें 34 टेस्ट में उन्होंने खेले, 2315 रन बनाए, 7 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे। वनडे उन्होंने 167 खेले और 6793 रन बनाए, 17 शतक 39 अर्धशतक थे। T20 कैरियर की बात करें तो 68 T20 मैचों में 1759 रन बनाए, शतक एक भी नहीं शामिल था, 11 अर्धशतक बनाए। अगर हम IPL की बात करें तो 222 IPL में 6769 रन बनाते हैं, 2 शतक और 51 अर्धशतक। और शिखर धवन ने अपने इस 13 साल के कैरियर में अपनी पारी को जो है वो हरदम शिखर पर रखा, लेकिन अब दुख इस बात का है कि शिखर धवन जो क्रिकेट के गब्बर कहे जाते हैं वो क्रिकेट के मैदान पर जो है वो आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। गब्बर कई दिनों से जो है क्रिकेट के मैदान से अंतरराष्ट्रीय मैचों से गायब थे, और उनकी जगह जो है KL राहुल, ईशान किशन, इसके बाद रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, ये तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी ले चुके थे। आपको पता है कि शिखर धवन ओपनिंग के लिए आते थे, लेकिन आज ओपनिंग में भारतीय टीम के पास सुमन गिल भी हैं, ईशान किशन भी, यशस्वी जायसवाल भी हैं, अभिषेक शर्मा भी हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त बेहतर कर रहे हैं। और शिखर धवन को जो है कई महीनों से मौका नहीं मिल रहा था अंतरराष्ट्रीय मैचों को में अपना प्रदर्शन करने का और खेलने का, और यही कारण है कि लंबे समय से क्रिकेट के मैदान से दूर रहने वाले शिखर धवन आज जब घोषणा करते हैं तो उनके चाहने वालों का दिल और दिमाग सब कुछ जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। आखिरी मैच उन्होंने साल 2022 में खेला था, वनडे मैच था, बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेला था, और उस मैच में वो ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, और यही कारण है कि शिखर धवन का की पारियों का और उनके कैरियर का अंत जो है वहीं से शुरू होना हमको दिख गया था, और शिखर धवन आज जो है हम सबके बीच में अब क्रिकेट के मैदान पर मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शिखर धवन ने अभी तक जो भारत के लिए क्रिकेट के माध्यम से, मैचों के माध्यम से अपना योगदान दिया, वो उस योगदान के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।